स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मॉक टेस्ट पेपर जो है उसकी केस स्टडी करने वाले हैं नितिन ने लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया है देख के बहुत अच्छा लग रहा है उषा जी आज भी लाइब्रेरी में बैठी हैं मेरे ख्याल से और कल्याण भाई मोटिवेटेड हैं ग्रेट मदोर एवरीवन सुहाना परवीन आई थिंक फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं आप आशना इज देयर तेजस तेजस्वा निखिल राहुल अभिषेक मक्कड़ मक्कड़ साहब आप फरीदाबाद वाले अभिषेक मक्कड़ हो या कोई और हो चैट बॉक्स में बता दो मुझे चलिए अब हम लोग जो है बातचीत शुरू करते हैं आपसे आज के खास के स्टडी के बारे में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हमने जो है भाई एकदम बीड़ा उठा लिया है कि आपकी नैया पार लगाएंगे और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे ठीक है आई एम ऑलवेज देयर बट आई एम हाइडिंग माई आइडेंटिटी हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी अरे क्या बात है मक्कड़ जी फरीदाबाद वाले ही हैं बहुत बढ़िया कैसे हो कॉफ़ी बना लिए भाई बिल्कुल बढ़िया सी चलिए अब शुरू करते हैं आज बहुत मज़ा आने वाला है अगर सब कुछ सही रात हो रोज कुछ ना कुछ तूफानी कोशिश मैं करता रहता हूँ ओके सो ये लीजिए स्क्रीन विजिबल हो गई है या नहीं मुझे बता दीजिए जल्दी से ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड फील करूँ कम ऑन गिव मी अ बिग थम्स अप अगर स्क्रीन विजिबल है इस समय तो ओके सो कीप काम एंड कीप काम से कम सबसे पहले आपको एक ही चीज़ का जवाब देना है और वो आपको पता है मित्रों क्या अच्छा मेंटी कोड तो पहले ले लो मेंटी कोड मेंटी डॉट कॉम पे जाओ टू सिक्स थ्री नाइन फाइव एट नाइन इज द कोड मेंटी डॉट कॉम पे जाओ टू सिक्स थ्री नाइन फाइव एट नाइन इज द कोड लोग बहुत पहुंच भी गए वेरी फास्ट तुम लोगों को एक बार एक चीज़ आ जाए फिर तो देखो तुम क्या करते हो बहुत ही बढ़िया टी डॉट कॉम टू सिक्स थ्री नाइन फाइव एट नाइन इज द कोड एंड अब आएगा बहुत ही ज्यादा मजा हाँ जी मेन्टीक् मनीष बिल्कुल मेन्टी क्विज है हर्ष जी हैदराबाद से क्या बात है कोड मैंने बता दिया बेटा टू सिक्स थ्री नाइन फाइव एट नाइन काफी सारे बच्चे पहुंच भी गए हैं टू सिक्स थ्री नाइन फाइव एट नाइन

दिख रही है केस स्टडी बढ़िया केस स्टडी है सर ऑफ टू के जबरदस्त चीज बनाई है मैं आपको रीड करेंगे पूरी केस स्टडीज बहुत मजा आएगा इसमें ब्रिज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी तो हम कुछ चीजें मांग भी करते हुए चलते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है वर्क एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर टू एयरलाइन इंडस्ट्री एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाती है हम ऐसा मान के चलते हैं ठीक है जी उसके बाद Now, the company was established more than a decade ago by Mr. Pranshu Gupta, having experience of working in the United States of America. His entrepreneurial desires brought him back to India to promote the company. Jo company naam tha. The company started its operation with a small capital of 10 lakh with limited workforce. Currently, it enjoys a valuation of rupees 50 crore. Almost everybody acknowledged the competency of the company in developing customized software for airlines industry.

मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेज दैट एंटर इन द एयरलाइन इंडस्ट्री हैड लेस नॉलेज ऑफ द एक्सपीरियंस इन एंड एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री लाइन हमारे काम की हो सकती है कि जितने भी लोग जो है एयरलाइन इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको इस फील्ड का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं था हाउ एवर देर डिजायर टू डायवर्सिफाई एंड सी न्यू अपॉर्चुनिटीज न्यू अपॉर्च्युनिटी एयरलाइन इंडस्ट्री प्रॉमटेड इन्वेस्टलीके ग्रेट हाउ एवर थिंग्स थिंग्स डिड नॉट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड टफ कॉम्पिटिशन बिटवीन सेवरल प्लेयर्स रिडक्शन इन द फेयर देखिए कॉम्पिटिशन रिडक्शन इन द फेयर अच्छा ट्रेन के फेयर कम हो गए फर्स्ट क्लास एसी वगैरह के एंड प्राइस फ्यूल क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्री द सेक्टर वॉज नॉट एबल टू जनरेट रीजनेबल प्रॉफिट दस रिजल्टिंग डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग ऑपरेशन भाई साहब हमारे पास प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहे हैं और डिफिकल्टी हो रही इन मेंटेनिंग द ऑपरेशन दे वर इन नीड फॉर हार्ड टू कम बाय कैपिटल

लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आप सारे इकट्ठे हो गए यहां पे काउंट डाउन शुरू करते हैं जल्दी से लो भाई लो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चूज कीजिए नेचर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन जो है आपने बताना है टाइम मैंने पूरा दिया है आपको चलिए चलिए आंसर्स लिखिए कोड जिसको नहीं मिला है भाई कोड है टू सिक्स थ्री नाइन फाइव एट नाइन टू सिक्स थ्री नाइन फाइव एट नाइन चलिए समय समाप्त होता है अब हाँ जी सो so, सही जवाब क्या है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन इज द राइट आंसर वाई वाई कॉन्ग्लोमेरेट भाई साहब कहीं से भी कुछ भी रिलेटेड नहीं है एक एफ वाली कंपनी एयरलाइंस में जा रही है यानी कोई रिलेशन नहीं है आपस में राइट ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं प्लीज बताएँ कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं चलिए तो इस बार मैंने टाइम भी सफिशियंट दिया कि टाइम की वजह से आपका कोई भी आंसर जो है गलत ना हो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार स्क्रीन पे ला रहा हूं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा द बिग बिजनेस हाउसेज वर इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ एफ एमसीजी टेक्सटाइल पैकेजिंग एक्सेट्रा एंड हैविंग गुड एक्सपर्टीज एंड यूनिकनेस इन दीज इंडस्ट्रीज बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन एयरलाइन इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इनकॉम्पिटेंट वर्कफोर्स रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और लैकिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंस आपको जवाब देना है आइए चलते हैं वापस अपने मेंटी क्विज़ पे और जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो क्या कारण लग रहा है आपको इसमें से आपने बताना है ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं आराम से जवाब दीजिए इन चारों में से कौन सा आंसर है ए बी सी डी ऑप्शंस आपको मेंटी को में दिख रहे हैं कॉम्पिटेंसी इज द राइट आंसर क्यों अगर आप ध्यान दें हमने ऊपर जब ये क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया था मित्रों तो हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी भी थी जरा ध्यान से देखिए मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेज आई होप आपको विजिबल है विजिबल नहीं है तो मैं भाई आपको भी करा देता हूं डोंट वरी एट ऑल ये वाली लाइन देखी हमने पढ़ी थी मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेज दैट एक्सपीरियंस had less knowledge and experience in that industry and this is the reason ke bhai unka score competency nahi hai wo fail ho gaye okay clear hai bataiye jaldi se चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस और देखते हैं अब इसको ऐसे ही रखेंगे ताकि दोनों चीजें विजिबल रहे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर मॉडल आइडेंटिफाई द कॉम्पिटेटिव प्रेशर फेस बाय एयरलाइन इंडस्ट्री एज पर दिवन सिनेरियो वन टू थ्री फोर आपको दे रखे हैं पांचों प्रेशर अब आपने बताना है कॉम्बिनेशन कौन सा सही है माइकल पोटर के हिसाब से किस तरह के प्रेशर जो है वो चल रहे हैं क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा देता हूं आप लोग रीड भी कर सकते हैं और यहाँ पे आंसर भी जो है वो दे सकते हैं अगर क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ा था तो उसमें क्लियरली ये तीनों चीजें लिखी थी जो आंसर है थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टाइम्स अप देखा हमने कहा था बाबू जी टफ है पूरी क्लास बटी हुई है सही जवाब है वन टू एंड थ्री क्यों सही जवाब है याद कीजिए सेलर्स ओके सप्लायर्स एंड सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स जो है वो दिक्कत दे रहे हैं सर बहुत सारे लोग आ गए उनसे दिक्कत सप्लायर्स एविएशन फ्यूल एंड सब्सिट्यूट प्रोडक्ट रेलवे रेलवे उन्होंने भी अपना प्राइस फेयर जो है वो गिरा दिया है मैं आपको ऊपर एक बार क्वेश्चन में दिखा भी देता हूँ कि ये वर्ड्स जो है कहाँ पे लिखे थे ताकि आपको पढ़ने में जो है थोड़ी सी आसानी रहे ये देखिए टफ कंपटीशन रिडक्शन इन फेयर बाय रेलवे एंड हाई प्राइस ऑफ एविएशन फ्यूल यानी के सप्लायर्स ओके क्लैरिटी आई कोच ओके okay. चलिए जी चलते हैं अपने अगले सवाल पे और देखते हैं उसका क्या होगा लीजिए सर Okay, so the next question is AMBTL can be identified as a star as per BCG growth share metrics. Uh, basis the rapid growth it has shown to maintain market and fuel the growth potential. For the last three years, AMBTL turned into dash as per the BCG metrics when its growth slows down. So जी शशांक टाइम कर देंगे भाई डोंट वरी एट ऑल टाइम रिड्यूस कर देंगे अगली बार से लीजिए सही जवाब है कैश काउ वाई कैश काउ देखिए जो बिजनेस स्टार था स्टार अगर सर ग्रोथ उसमें कम हो गई है, मार्केट तो क्या बन चुका है कैश काउ बन चुका है आई होप ये क्लियर है बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और मैं यहां पे काउंट डाउन पहले ही शुरू कर देता हूं ताकि टाइम हमें ज्यादा ना लगे लीजिए तो आपके पास एक मिनट है क्वेश्चन पढ़िए यहां से और आंसर दीजिए वहां पे जल्दी से मिस्टर प्रांशु गुप्ता एज अ कोर्स स्ट्रेटेजिस्ट लीजिए वाओ, आंसर so है प्रमोटिंग न्यू आइडियाज थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन देखिए जो कंप्लाइंस वाली चीज है ना बेटा और जो थॉट प्रोसेस चेंज करने वाली चीज है वो अनफ्रीजिंग में नहीं आती है वो चेंजिंग टू न्यू बिहेवियर वाले स्टेप में आती है आपने अगर आपने पढ़ा हो कर्ट लुइन मेथड अगर आपने पढ़ा था तो पता है अन चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन एंड देन रीफ्रीजिंग तो अनफ्रीजिंग में तो सिर्फ ये आता है कि आपने नए आइडियाज को जो है वो प्रमोट करना है अपनी मीटिंग्स करनी है अपने अनाउंसमेंट्स करनी है नए आइडियाज बताने हैं लोगों को सो so, मेरे हिसाब से भी आंसर जो है इसका प्रमोटिंग न्यू आइडियाज थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे केस स्टडी हमारी खत्म हो जाती है इस केस स्टडी हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है लेकिन मैंने फिर भी चार क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए हैं चार क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए हैं इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग सर कल वाले जो क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हम दोबारा करेंगे तो एक बार चलते हैं और देखते हैं उन क्वेश्चन को भी इसमें थोड़ा कम समय आपको मिलने वाला है एंड हे वी गो चेंज इन कंपनीज डैश गिव राइज टू प्रॉब्लम नेसेसिटिंग अ न्यू डैश टू बी मेड हमने कल भी किया था ये क्वेश्चन गाइज जो आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो कर सकते हैं फर्स्ट टाइम बाकियों का अभी इसमें आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में कम ऑन चलो जी तो अभी भी कुछ बच्चों ने स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी को मार्क्स दिए हैं जब मार्क किया है जबकि सही आंसर है स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर बार बार क्यों करा रहा हूं ये क्वेश्चन टफ हैं एग्जाम में आने के चांसेस हाई हैं तो प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने जल्दी से ये भी कल वाले क्वेश्चन में से एक है द रीजन फॉर एक्विजिशन आर जी क्वेश्चन है ग्रेट अभी भी दो बच्चों ने गलत आंसर दिया है ट में से दो बच्चों ने से गलत आंसर दिया है सीख रहे हैं देखिए गाइज जो भी टफ क्वेश्चन मुझे मिलेंगे वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में ऐसे कराते ना जो टफ क्वेश्चन है उनको लास्ट में हर हर बार हम लोग कर लेंगे ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए वो क्या बोलते हो किमिया थम्स अप बहुत बढ़िया चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास अगला सवाल जो है वो क्या है क्वेश्चन एट ऑफ नाइन नैरो मार्केट फोकस इस टू अ डिफ्रेंसिएशन बेस्ड स्ट्रेटेजी एज आ याद कीजिए कल गरीबा ने समझाया ये आपको अच्छे से ग्रेट तो जिनको भाई अभी नहीं सीखने में आया एक बार पढ़िए जरा जाके नैरो मार्केट डिफ्रेंसियन स्ट्रेटेजी फोकस स्ट्रैटेजी और कॉस्ट लीडरशिप चलो जी चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे आखिरी क्वेश्चन है और ये भी टफ वाला क्वेश्चन जो हमने कल थोड़ी सी दिक्कत थी जिसपे मैंने आपको बताया भी था हॉरिजोंटल इंटीग्रेशन इज कंसर्न विद याद कीजिए इसमें मैंने आपको कुछ चीज बताई थी अब उसको रिपीट नहीं करेंगे अब सीधा सीधा आंसर करेंगे ऐसे वाला आंसर लिखना मेरे वाला नहीं आंसर इज प्रोडक्शन चलिए कांग्रेचुलेशंस अब जरा एक बात ध्यान सुनिए मेरी बात आ, एक छोटी सी बात सुनिए अब इस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और साथ-साथ में एक छोटी सी बात और केस स्टडीज भी मैंने बना ली हैं बहुत सारी ये तो आईसीए की केस स्टडी थी मैंने खुद की भी केस स्टडीज डेवलप कर ली हैं वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा अगेन हंड्रेड एमसीक्यूज का हमारा टारगेट अगर आप ध्यान से देखें हम तीस चालीस एमसीक्यू जो है वो कर चुके हैं थर्टी के आसपास एमसीक्यू जो हम लोग कर चुके हैं तो करा देंगे आपको कंप्लीट चैप्टर थ्री की रिवीजन वीडियो के लिए नोट्स बन रहे हैं बढ़िया से उस पर भी काम चल रहा है वो भी आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे पढ़ते रहिए सतर्क रहिए सावधान रहिए अपनी सेहत का अपने माँ बाप की सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखिए इधर उधर की बातें धोखा है पढ़ लो बेटा मौका है एक बार वस्तु पास हो जाए फिर तुझे किसने रोका है चलिए जी लंबी गहरी सांस भरिए मास्टर छुट्टी भागो दौड़ो निकलो पहुंचो टेक केयर एंड पढ़ते रहें पढ़ाई ना छोड़ें मैं साथ में बना रहूंगा एसएम ऑडिट पूरा एंड तक लड़ेंगे सर चलिए बाय बाय टेक केयर